लेकिन आप जब अमेरिका में आते हैं जहां पर क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पर होली बाइबल आपको रखी हुई मिलती है। मैं क्रिश्चियन नहीं हूं और मेरे लिए इस किताब को मैं पवित्र मानता हूं, लेकिन मेरे किसी काम के लिए मैं बाइबल क्या पढ़ूंगा। लेकिन जो लोग भी क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, बाकी सारे ड्रॉर अगर आप देखेंगे, ये सारे ड्रॉर्स खाली हैं, इसमें और किसी में कुछ नहीं रखा हुआ है, कुछ भी नहीं। लेकिन ये एक ड्रॉर में शुरू में ही मुझे ये होली बाइबल मिली। आधी अधूरी बात, आधा अधूरा ज्ञान बताने से क्या फायदा होगा? पहले क्यों कोई काम किया गया है उसकी वजह जाने, उसके पीछे का बैकग्राउंड जाने और उसका आउटकम समझें, उसका रिजल्ट समझें और उसका प्रूफ देखें। जैसे ही मैंने इस ड्रॉर को खोला और शुरू में आप देखेंगे तो खाली मेल दराज नजर आती है, लेकिन इसके अंदर आप देखिए एक होली बाइबल रखी हुई है। यानी यहां पर ये बाइबल रखी हुई मिली इस ड्रॉर के अंदर मुझे, और बाकी सारे ड्रॉर अगर आप देखेंगे, ये सारे ड्रॉर्स खाली हैं, इसमें और किसी में कुछ नहीं रखा हुआ है, कुछ भी नहीं। लेकिन ये एक ड्रॉर में शुरू में ही मुझे ये होली बाइबल मिली, पवित्र बाइबल मिली। और इसको अगर आप देखें तो इसमें जिस जो बाइबल है, इसमें कोई भी आएगा तो वो जो पढ़ना चाहे क्रिश्चियनिटी के बारे में, बाइबल को पढ़ना चाहे, वो सारी चीजें जो है वो मौजूद हैं, और एक सामान्य बाइबल जैसी होती है वैसे। हिंदुस्तान के किसी भी होटल में आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको कभी किसी होटल के अंदर, 80 करोड़ हिंदुओं की आबादी वाले हिंदुस्तान के किसी होटल के अंदर कहीं पर गीता रखी हुई मिलती है क्या? कहीं रामचरित मानस रखा हुआ मिलता है क्या? लेकिन आप जब अमेरिका में आते हैं जहां पर क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पर होली बाइबल आपको रखी हुई मिलती है। मैं क्रिश्चियन नहीं हूं और मेरे लिए इस किताब को मैं पवित्र मानता हूं, लेकिन मेरे किसी काम के लिए मैं बाइबल क्या पढ़ूंगा। लेकिन जो लोग भी क्रिश्चियनिटी को मानते हैं उनके लिए किताब है, या जो पढ़ना चाहे उनके लिए, मैं भी अगर समय रहे तो पढ़ लूं वो कर सकता हूं। लेकिन हिंदुस्तान आप देखिए 80 करोड़ आबादी है हिंदुओं की, लेकिन कहीं आपको जो है वो रामचरितमानस या दूसरी ऐसी किताब नहीं मिलती, गीता नहीं मिलती। वहां तो हिंदुओं की सनातन की बात करने वाले गीता प्रेस को लेकर भी कंट्रोवर्सी हो जाती है, उससे भी लोगों का विरोध हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, दिस इज एंजल। और ये वीडियो मेरे सामने आया और मुझे पता चला एक जर्नलिस्ट हैं सुशांत सिन्हा के नाम के, और उन्होंने एक वीडियो डाला है अपने होटल के रूम का, जिसमें वो एक ड्रॉर खोल रहे हैं और उसमें से बाइबल को दिखा रहे हैं, और इन्हें लगा कि मोदी जी का अमेरिकी दौरा है और इसमें अगर वो सबसे अच्छी कोई स्टोरी कवर कर सकते हैं तो वो यही कर सकते हैं कि वो ये दिखा सकें कि अमेरिकी जो होटल्स होते हैं उनके ड्रॉर में, उन होटल्स में बाइबल होती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ उन्हें लगी और उस भाई ने दिखाया भी इस तरीके से, और वो जिस तरीके से बता रहा है कि बाइबल मेरे काम की नहीं है और 80 करोड़ हिंदू की आबादी में हम लोग अपने स्क्रिप्चर्स को या अपने शास्त्रों को नहीं रखते हैं, उस पर बवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, वो इस तरीके की दलीलें देते हुए नज़र आ रहे हैं अपने वीडियो में। तो मुझे लगा कि मैं कुछ अपने विचार आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहाँ तक होटल्स की बात है कि इंडिया में 80 करोड़ हिंदू की आबादी और वहाँ पर आपको उनके शास्त्र नहीं मिलते, तो होटल्स मैंने बहुत सारे देखे हैं और उन होटल्स में मैंने देखा है कि अधिकतर जिन होटल्स के ओनर्स समझ लीजिए हिंदू होते हैं, तो मैंने उन होटल्स को लाइन से देखा कि उन होटल्स में दुनिया भर के आइडल्स, दुनिया भर की मूर्तियाँ और दुनिया भर की वहाँ पर पूजा पाठ होती है। इवन एक जगह उनका कहीं ना कहीं मंदिर भी होता है, नॉट इवन इन होटल्स, मैंने यहाँ तक के हॉस्पिटल्स के अंदर भी देखा है कि खास वो लोग वेदी को बना के और अलग से डेडिकेटेड रखते हैं जहाँ पर उनकी जो मूर्तियाँ आइडल्स वगैरह होती हैं, एक काइंड ऑफ वो छोटा मंदिर ज़रूर स्थापित करते हैं। पर क्या कहते हैं, ऐसे आपको हॉस्पिटल्स भी मिल जाएंगे, ऐसे आपको होटल्स भी मिल जाएंगे बहुत सारे इंडिया में। और वो छोड़िए, मैं एक सेक्युलर प्लेस की बात करता हूँ जो शायद
संविधान में सेकुलर ही होना चाहिए, और मैं बात कर रहा हूँ पुलिस स्टेशंस की बात। पुलिस स्टेशंस मैंने अभी तक जितने देखे उधर, मैंने हर पुलिस स्टेशन में, अधिकतर मैंने हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक मंदिर ज़रूर देखा है। शायद आपने भी गौर करा होगा, आपने करा या नहीं करा। जबकि पुलिस स्टेशन तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर, जिसका मैं समझता हूँ धर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, पर इंडिया के पुलिस स्टेशन में आपको ज़रूरी मंदिर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस बात पे तो जो माइनॉरिटी है वो भी कह सकते हैं, भाई क्रिश्चियंस कहें कि भाई जब वहाँ पर एक मंदिर है तो एक चर्च को भी स्थापित कर दो, और मुस्लिम ये कह सकते हैं वहाँ पर एक मस्जिद भी कर दीजिए, और सिख लोग भी कह सकते हैं कि वहाँ पर एक गुरुद्वारा भी होना चाहिए, और उनमें से कभी किसी ने नहीं बोला। पर ये जो जर्नलिस्ट है ये यहाँ से अमेरिका जाते हैं, और वहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इन्हें ये मिलती है कि इनके होटल रूम के अंदर ड्रॉअर के अंदर बाइबल है, पर इंडिया में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो इंडिया में अगर आपको शास्त्र नहीं मिलेंगे हिंदुओं के, तो वहाँ दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी जिनको मैं मेंशन कर चुका हूँ। जैसे आप होटल्स में देखिएगा, वहाँ पर आइडल्स भी मिल जाएंगे, मंदिर भी मिल जाएंगे, मंदिर तक मिल जाएंगे, ठीक है ना। हॉस्पिटल्स के अंदर भी आपको मंदिर तक मिल जाएंगे इंडिया के अंदर, इवन पुलिस स्टेशन के अंदर भी आपको मंदिर तक मिल जाएंगे। तो फिर इतना एक तरफा होकर सुशांत सिंह बगैर अपने ऊपर वाले माले को इस्तेमाल करे हुए कैसे सोच सकते हैं, मैं ये सोच रहा हूँ। और मुझे बड़ा ही कह लीजिए डाउट है उनका जर्नलिस्ट होने पर, कि किस तरीके के उन्होंने, मैं समझता हूँ इसमें तर्क को ढूंढना चाहिए, इसमें अगर आप कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं तो दोनों तरफ से बात को सोचना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी आप घटिया न्यूज़ इस तरीके की डालेंगे और बाइबल को दिखाएंगे, तो इस तरीके से आपके डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज किया जा सकता है सोशल नेटवर्किंग के थ्रू, ठीक है ना। तो इसी तरीके से, तो कहने का मतलब मुझे नहीं पता कि बाइबल को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसने, सुशांत सिंह ने टारगेट क्यों करा। तो खैर, मुझे सबसे पहले अपना ये पॉइंट रखना था कि आपको इंडिया में भी ऐसी जगहें मिल जाएंगी, और उससे कभी किसी क्रिश्चियन को प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है ना। ना ही कभी किसी क्रिश्चियन ने शिकायत करी है कि भाई आपने होटल में मंदिर है तो चर्च क्यों नहीं है, पुलिस स्टेशन में मंदिर है तो चर्च क्यों नहीं है, या फिर आपके हॉस्पिटल के अंदर मंदिर है तो चर्च क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है ना। पर इस भाई को ज़्यादा, मैं समझता हूँ, दिक्कत हो गई बाइबल को देखकर, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, तो इसलिए इसको ये वीडियो, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिली। इसको शायद ये नहीं दिखा कि मणिपुर में क्या चल रहा है, 250 चर्चेस जो हैं वहाँ पर जला दिए गए हैं, अभी भी वहाँ पर जो के हालात हैं उन्हें कंट्रोल नहीं किया गया। मुझे नहीं पता कि इसने वहाँ पर, जैसे कि मणिपुर में बीजेपी का इस वक्त गवर्नमेंट है, उन पर इसने कितनी बार सवाल करा कि कैसे इतना कोलाहल हो चुका है, खून खराब हो चुका, और क्यों एक विशेष धर्म के वर्शिप प्लेसेस को टारगेट किया गया और 80% चर्चेस को वहाँ पर जला दिया गया, अटैक किया गया, वैंडलाइज किया गया। मुझे नहीं लगता कि सुशांत सिंह ने ऐसा कोई सवाल उस स्टेट की गवर्नमेंट से ऐसा कुछ सवाल किया होगा। पर हाँ, इसे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिली, और वो ये कि बाइबल जो है वहाँ की ड्रॉअर में है। खैर, मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहूँगा कि वहाँ पर आपको इस अधिकतर वेस्ट के होटल्स में बाइबल्स क्यों मिलेंगी होटल के अंदर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि बाइबल अमेरिका के और वेस्ट के अधिकतर होटल्स में क्यों पाई जाती है। ये स्टोरी शुरू होती है 1898 से ये स्टोरी शुरू होती है, जब एक बिजनेसमैन, वो ट्रैवल करते हैं निक निकोलसन के नाम से, आप समझ रहे हैं इस बात को। तो जो जॉन निकोलसन भी इनका नाम है, तो जो जॉन निकोलसन है, जॉन निकोलसन उस वक्त बॉस्कोबेल की विंस्कोसिन के एक होटल में स्टे कर रहे थे, पर वो होटल बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर, और कोई भी रूम अवेलेबल नहीं था। हर जगह वो बता रहे थे कि कहीं गैम्बलिंग चल रही है, कहीं शराब और कहीं नशे की आवाज़ें आ रही हैं, कह लीजिए जो होटल्स का माहौल होता है, ठीक है ना, कह लीजिए इन सब चीज़ों की आवाज़ें आ रही हैं, और बहुत ही क्राउडेड जगह थी, कुछ भी नहीं था, एक होटल अवेलेबल था जो कि उन्हें शेयर करना पड़ा किसी के साथ, और क्योंकि शेयरिंग नहीं करना चाहते थे, पर क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए जो मिस्टर निकोलसन हैं उनको ये होटल शेयर करना पड़ा। जिसके साथ शेयर करा उस शख्स का नाम था सैमुअल ई हिल, ठीक है ना। तो सैमुअल ई हिल के साथ जब इन्होंने उस होटल रूम को शेयर करा, डबल बेड था, ठीक है ना, तो अचानक से यही हुआ कि इन लोगों का कॉन्वर्जेशन शुरू हुआ, और पता चलता है कि
कि ये दोनों ही क्राइस्ट के बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉलोअर है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं, क्रिश्चियन बिलीवर्स हैं। और इन लोगों को आपस में बात करके बहुत अच्छा लगा। इन लोगों ने काफ़ी वक्त उस दिन उस रात प्रेयर में बिताया, प्रार्थना में बिताया, बाइबल की बातों को शेयर करा, अपनी टेस्टिमनी शेयर करी। और इन्होंने ऐसा करके एक आइडिया इन लोगों के पास आया कि क्यों ना हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें कि हम, क्योंकि देखिए उस वक्त होटल रूम्स में ना ही टीवी होते थे, ना ये ऐसा कुछ था नहीं है और कुछ इस तरीके से, तो हम क्यों ना बाइबल्स को हर होटल्स के अंदर रखते हैं, जिससे इतने सारे बिजनेसमैन आते हैं, वो होटल्स वगैरह में स्टे करते हैं, तो एटलीस्ट थ्रू दिस उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं एक्सीडेंटली है ना पर्पसली वो कहीं ना कहीं बाइबल उनके सामने आएगी तो वो पढ़ेंगे और उसके थ्रू उनकी ज़िंदगी में ज़रूर काम होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो क्या कहते हैं, ये जब चीज़ उन्होंने डिसाइड करी तो उन्होंने उसके एक साल के बाद एक मीटिंग को रखा कि वो अब बाइबल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे कि वो हर होटल के अंदर बाइबल्स को इंस्टॉल करें, बाइबल को रखवाएं। तो इसमें उन्होंने काफ़ी बड़े बिजनेसमैन्स को, लोगों को इनवाइट करा कि हाँ वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। पर उन लोगों को बहुत ज़्यादा निराशा हुई, डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उस मीटिंग में कोई भी नहीं आया सिवाय एक शख्स के। उनका नाम था विलियम जे नाइट्स। विलियम जे नाइट्स उस मीटिंग में आए तो सब मिला कि ये केवल 3 लोग इस मिनिस्ट्री को शुरू करते हैं बाइबल प्रोजेक्ट के नाम से, और प्रार्थना में ये नाम मांगते हैं कि हमें नाम मिले। तो विलियम जे नाइट्स को ये नाम परमेश्वर की तरफ से अगुवाई में मिलता है कि इसका नाम रखते हैं गिडियंस इंटरनेशनल। यानी जब भी आप इन होटल्स में बाइबल को देखेंगे तो उस पर गिडियन लिखा होगा, तो ये गिडियंस इंटरनेशनल की बाइबल होती है। तो गिडियंस ने इन बाइबल्स को रखा, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम गिडियंस हो गया, क्योंकि बाइबल में आप जब बुक ऑफ जजेस को पढ़ेंगे ओल्ड टेस्टमेंट में तो वहाँ गिडियन नाम के एक शख्स थे जिनके पास बहुत थोड़े और कम लोग थे, सिर्फ 300 लोग, जिसके कमांडर परमेश्वर ने गिडियन को बनाया। और इन 300 लोगों के ज़रिए परमेश्वर ने इसराइलियों को लाखों लोगों की आर्मी से बचाया, और सिर्फ बचाया नहीं, इन 300 लोगों ने लाखों लोगों की आर्मी को मारा था, मैदानियों की आर्मी को, ठीक है ना। तो इन 300 यानी छोटे से ग्रुप के ज़रिए लाखों लोगों को परमेश्वर ने हरवाया। और इस तरीके से इसीलिए इन्होंने कहा हम भी 3 लोग हैं, केवल हम 3 लोगों के ज़रिए ही परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के थ्रू, बाइबल प्रोजेक्ट के थ्रू, गिडियंस इंटरनेशनल के थ्रू बहुत बड़ा काम करेंगे। तो हम ये ना देखें कि हम सिर्फ 3 लोग हैं, परमेश्वर हम ही 3 के ज़रिए बड़ा काम करेंगे। और इन 3 लोगों से ये मिनिस्ट्री शुरुआत होती है, बाइबल प्रोजेक्ट, गिडियन इंटरनेशनल। और उसके बाद आज की डेट तक ये समझिए कि 1908 में इन्होंने पहली बार 25 बाइबल्स को सुपीरियर होटल के अंदर, जो सुपीरियर माउंट में है, वहाँ पर इन्होंने 25 बाइबल दी और 25 बाइबल को इन्होंने रखवाया। और 1908 से लेकर आज की डेट तक 2 बिलियन बाइबल्स ये लोग होटल्स के अंदर, जेल खानों के अंदर, प्रिजन्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर और ऐसी दूसरी जगहों के अंदर रखवा चुके हैं। केवल रखवाए नहीं, पर इस बाइबल का इसका आउटकम बड़ा अच्छा है। ये नहीं बोल सकते कि हर इंसान पढ़ता है उसके जीवन में बदलाव हो रहा है, लेकिन अच्छी भूमि भी है जिन पे फल पड़ता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, आई बिलीव के बोने वाले ने बीज बोया, कुछ पथरीली ज़मीन पे गया, कुछ सड़क के किनारे गया, कुछ कहाँ गया, झाड़ झंकारों में, पर कुछ अच्छी ज़मीन पर भी गया। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर को पता, अच्छी ज़मीन पर भी ये बीज पड़ेगा। बाइबल यानी परमेश्वर का वचन, यानी जो बीज है, जिसे बाइबल में बीज बोला गया, उनकी ज़मीन, उनका दिल अच्छी ज़मीन पर पड़ेगा, फल लाएगा। और इन बाइबल्स को पढ़ के बहुत बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज आज तक आ चुकी हैं। कई लोग जो डिप्रेशन में थे, सुसाइडल में थे, बहुत पापी ज़िंदगी जी रहे थे, पाप में जी रहे थे, अचानक से अपने होटल्स रूम में, अचानक से वो हॉस्पिटल्स में, अचानक से वो प्रिजन में हैं, कैद की सज़ा में हैं, है ना, अपनी जेल खानों में हैं, अचानक से उनके सामने बाइबल आई है, उन्होंने बाइबल को पढ़ी है, बाइबल को उनको किसी ने प्रीच करा, उन्होंने बाइबल खोली, परमेश्वर ने उनसे सरदा मर्दी बातचीत करी, उनके साथ परमेश्वर की आवाज़ के साथ इनकाउंटर हुआ उन लोगों का, और उनकी ज़िंदगी उस दिन से ट्रांसफॉर्म हो गई, बदल गई। ये फ़ायदा इन बाइबल्स को रखने का इन होटल्स के अंदर हुआ है।
तो सुशांत सिन्हा आधी अधूरी बात आधा अधूरा ज्ञान बताने से क्या फ़ायदा होगा, पहले क्यों कोई काम किया गया है उसकी वजह जाने, उसके पीछे का बैकग्राउंड जाने और उसका आउटकम समझें, उसका रिजल्ट समझें और उसका फ्रूट देखें कि कितना अच्छा है। कई लोग इस बाइबल की वजह से बच चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, एक सेव्ड सोल बच चुके हैं, डार्कनेस से लाइट में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, अंधेरे से उजियाले में परिवर्तित हो चुके हैं। ये है इस बाइबल की सामर्थ्य, ये है इस बाइबल की शक्ति। तो इसलिए इन बाइबल्स को होटल्स में रखा जाता है। इवन मेरी ज़िंदगी भी जो बदली वो बाइबल की एक वर्ड से, जहाँ यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं पर मैंने तुम्हें चुना है, और यहाँ से मेरी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आया, बदलाव आया और मुझे भी प्रभु अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बाइबल, इसीलिए शैतान डरता है इससे, बाइबल के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इनसिक्योर हो जाता है, डरता है, घबराता है। कई लोगों ने देखा देखी, आप अपने स्क्रिप्चर्स को भी, क्रिश्चियंस को, मिशनरीज को देख देख कर अपने स्क्रिप्चर्स को भी रखना शुरू कर दिया, हमें उन लोगों से कोई मतलब नहीं और ना ही हमें कोई शिकायत है, ना ही हम ऑफेंड हो रहे हैं। बट ये शुरुआत इन डेडिकेटेड बिजनेसमैन की वजह से हुई, इन तीन लोगों की वजह से जो आज लाखों की टीम है, ठीक है ना। और परमेश्वर ने बड़ा काम किया, तो परमेश्वर छोटे छोटे लोगों के ज़रिए बड़े बड़े काम करते हैं। बहुत अच्छे डेडिकेटेड बिजनेसमैन थे, ठीक है ना, और इन लोगों ने इस काम को करने का जब ठाना तो इन छोटे से ग्रुप के ज़रिए परमेश्वर ने बड़ा काम किया। और आज इन बाइबल्स को पढ़ के कई लोगों की ज़िंदगी में खुदावंद के काम हुए हैं। तो याद रखें, आधी अधूरी बात ना सुने ना सुनाएं, अगर कोई आधा बताता है तो उसे पूरा ज़रूर बताएं। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। और हाँ, सुशांत सिन्हा, आप भी एक बार खाली वो बाइबल को ऐसे पलट के मत देखो, ऐसे पलटने से कुछ नहीं होगा। आई वुड सजेस्ट यू कि बाइबल पढ़ के देखो, परमेश्वर उसके ज़रिए तुमसे भी सरदा मर्दी बात करेगा। कोशिश करो अपनी ज़बान में पढ़ो। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।